हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। दिवाली है, फेस्टिवल है, हम लोग सब घर के अंदर अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। एवरीडे किस तरह से मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ दीपावली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं अब आपको अपने इन ब्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ। डेली ब्लॉग्स आएंगे मेरे। आज है धनतेरस का दिन, तो धनतेरस पर क्या क्या होता है। वैसे इस बार धनतेरस आज भी है, कल भी है, मतलब दो दो दिन धनतेरस सेलिब्रेट हो रही है। तो आज क्या क्या हो जाएगा और क्या बचेगा वो कल होगा, ये सब मैं अपने ब्लॉग में आपको आज दिखाऊंगी। और घर के अंदर जो दीपदान होता है धनतेरस पर, वो क्या आज ही होगा या कल होगा, ये सब कुछ पता करते हैं अपने ब्लॉग में, मैं आज आपको बताऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा, विदाउट एनी स्किपिंग पूरे वीडियो को देखिए, मजे कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे के जो और ब्लॉग्स आएंगे एवरीडे और जो नई वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, जस्ट कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। लेट्स सी अभी घर के अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए दिए, देखिए मेरी जो सासू माँ है उन्होंने रात में दिए भिगो के रख दिए थे और अभी ये धूप में सूख रहे हैं, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब ये रेडी होंगे जलने के लिए। और एक बड़ा दिया भी है यहाँ पे, ये देखिए आपके यहाँ भी जलता होगा ये बड़ा दिया, एक बड़ा दिया जो ज़रूर जलता है घर के अंदर महालक्ष्मी के आगे। फिलहाल जैसा कि अभी साफ़ सफाई थोड़ी सी रह गई है वो चल रही है, और अभी चल के मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा 3 मंजिल का घर है तो ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन किया जा रहा है। चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर। तो जब मैं छत पर पहुंची तो मैंने देखा कि सब साफ सफाई हो गई थी और लाइटिंग सेट करने वाले थे वो लोग, लेकिन साथ ही साथ मेरे दोनों बच्चे जो थे वो बहुत शैतानी कर रहे थे, पूरा पानी में खेल रहे थे, उन्हें सर्दी हो रही थी फिर भी वो मस्ती कर रहे थे। अब मस्ती का दिन था तो मस्ती कर रहे थे। छत की आपने देखा साफ सफाई हो गई है, और पूरे घर की तो पहले ही हो गई थी, और लेकिन अभी नीचे पार्किंग में जाकर वहाँ पार्किंग की भी पूरी साफ सफाई की जा रही है। और इसके साथ ही रात के खाने में आज क्या बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूँ। देखिए यहाँ पे कुछ रखा है, समझ आया क्या बनेगा? नहीं आया तो चलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, थोड़ी देर में बताऊँगी। मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो नाश्ता एंड ऑल सब कंप्लीट हो गया है और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कपड़े प्रेस करने का। देखिए कितने सारे कपड़े यहाँ रखे हैं, उन्हें प्रेस करना है और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। वैसे तो लगभग मैंने सारा ही सामान खरीद लिया, लेकिन कुछ एक सामान रह गया, एंड स्पेशली मेरे रंगोली के कलर्स। यस गाइज, मुझे रंगोली रखना बहुत ज्यादा पसंद है और उनके कलर्स अभी आने रह गए हैं, तो वो कलर्स हम लेने जाएंगे। और उसके बाद कुछ एक सामान और भी है वो भी हम लेकर आएंगे। आप लोग भी रंगोली लगाते होगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस दिन रंगोली रखते हो आप ये भी मुझे जरूर बताना। अब आज शॉपिंग हम लोग आज करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ घूमने जरूर जाएंगे मार्केट। और मैं आपको हमारे शहर का सराहा मार्केट भी जरूर दिखाऊंगी, जो कि बहुत सुंदर सस्ता है धनतेरस पर, स्पेशली दीपावली पर बहुत सुंदर सजाया जाता है और बहुत ज़्यादा रश भी होता है वहाँ पर। इतना रश होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया जाता है और केवल पैदल ही आप लोग जा सकते हो उसमें मार्केट में। वैसे तो वहाँ व्हीकल चलते हैं लेकिन आज वहाँ अलग ही नज़ारा देखने मिलेगा। देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है रात होने का, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर देखिए ये दिए की तैयारी भी शुरू हो गई, जो कि जलने थे 13 दिए हैं और एक चौमुखी दिया बनेगा। लेकिन अभी मेरी सासू माँ पहले आरती कर रही थी, और आरती करने के बाद उन्होंने ये चौमुखी दिया बनाया, सजाया, और फिर इन दियों को जलाया जाएगा। धन्वंतरी जी की पूजा की जाएगी, माता महालक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा की जाएगी, और फिर ये दिया जो यम के नाम का छोटी दीपावली पर भी और धनतेरस पर भी जलाया जाता है, जलाया जाएगा। तो अभी देखो नन्ना बाबू मेरा जग गया है और धनतेरस का पूजन भी हो रहा है, सामान आ गया है थोड़ा थोड़ा, बाकी के लोग भी आ रहे हैं। तो फिर सभी लोग आ गए और सभी ने मिलकर धन्वंतरी जी की पूजा की, आराधना की, दीप जलाए गए, जो सबसे खास दिया होता है चौमुखी दिया उसको भी जला लिया गया।
किया और उसको लेकर फिर कि हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसे आशीष के कामना के साथ ये दिया पूरे घर आंगन में मेरे पतिदेव ने घुमा दिया। और फिर जो हमारे घर की चौखट होती है उसी पर ये दिया रखा जाता है, तो वहाँ पर इसे रख दिया गया और फिर बाकी के जो दिए थे उनको भी जलाकर पूरे घर में सजाया गया और फिर शुरू हो गई खाने की तैयारी। दाल की चटनी है, सांभर है, आलू है, तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है, डोसा। लेट्स सी हाउ आई मेक डोसा। ओके, तो ये पड़ तो गया है लेकिन ये ऐसा ही साबुत ऊपर आ भी जाए वापस, ये बहुत जरूरी होता है। वैसे मेरे कुछ एक डोसे अभी आ गए हैं तैयार, बन चुके हैं और वो थोड़ी कि ये भी अच्छे से सिक जाए और साबुत भी आ जाए। वैसे आप लोग जब डोसा बनाते हैं तो आपके डोसे भी ऐसे ही प्रॉपर उतरते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है? वैसे अगर प्रॉब्लम आती है ना मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं बताऊँगी उसका कुछ सलूशन है। बहुत ही अच्छा ट्रिक जिससे आपके डोसे एकदम साबुत उतरेंगे। तो डोसे बनकर तैयार हो गए थे, मैंने सबको खाना खिलाया और फिर जल्दी से प्लेट लगाकर अपने बेटे के पास गई, उसको भी जल्दी से खाना खिलाया और हम सभी तैयार होकर फिर चल दिए सराफा मार्केट घूमने फिरने, थोड़ी सी शॉपिंग करने, मस्ती करने। अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़े, वहाँ पर रास्ता है या नहीं ये पता नहीं, पार्किंग हमें मिलेगी या नहीं वो भी नहीं पता है। पूरा शहर आप देखिए दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जहाँ भी नज़र उठाकर देख रही थी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और फिर हमारी आंखों के सामने था हमारे शहर का आन बान और शान ग्वालियर फोर्ट। इतना खूबसूरत दिख रहा था ये ग्वालियर फोर्ट और इसको हम देखते हुए नज़ारे को आनंद से अपनी आँखों में भरते हुए आगे बढ़े तो वहाँ देखा कि फिर जो मॉल है हमारे शहर का बड़ा वो भी पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तो बस यही सब देखते देखते हम जल्दी से बाड़े भी पहुँच गए। अभी हम लोग बाड़े में एंटर करने वाले हैं लेकिन हाँ लगभग अभी 1-1.5 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग जो है वो मुश्किल से मिलती है, गाड़ियाँ बहुत पहले से रास्ते बहुत पहले से रोक दिए जाते हैं। तो मैंने अभी अपने फ्रेंड के यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है और हम लोग जा रहे हैं पैदल। सराफे मार्केट में एंटर करते हुए ही नज़र आ गया था इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, आगे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये भीड़, क्योंकि ये तो सिर्फ जो बर्तन होते हैं उसका मार्केट था, यहाँ पर सिर्फ बर्तनों की शॉप थी जहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे थे। और फिर इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग मेन जो सराफा मार्केट है वहाँ पहुँचे। तो ये आ गए हैं हम सराफा बाजार और आप देख सकते हैं यहाँ से ये मेन गेट है, आगे भीड़ ही भीड़ है बहुत सारी। जैसे ही हम आगे भीड़ में बढ़े हमें समझ आ गया था चलने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें पीछे से धक्का मिल रहा था और हम अपने आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे धीरे 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 धीरे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि परेशानी भी हो रही थी, बेटा साथ में था लेकिन जो यहाँ के लोग थे ना वो सब इतना आनंद ले रहे थे, उन्हें देख कर भी आनंद आ रहा था। पुलिस अपनी पूरी चौकसी पर थी और जो सबसे खास बात थी यहाँ की वो थी स्ट्रीट फूड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था स्ट्रीट फूड का जो ना हो, छोले भटूरे, आलू टिक्की, पानी टिक्की, दही भल्ले एंड बॉयल कॉर्न्स, बच्चों के लिए कैंडीज, आइसक्रीम, खेल खिलौने एंड एवरीथिंग वाज देयर। सभी मज़ा भी ले रहे थे इसका, एकदम जो माहौल था पूरा मेले जैसा था, बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे चाहे वो कपड़े हो, सोना चांदी हो। मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया। तो अभी मैं खड़ी हुई हूँ सराफा मार्केट में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आनंद बहुत आ रहा है। लेकिन हाँ उससे ज़्यादा यहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल है, कुछ भी शॉपिंग करने में भी बहुत बार सोचना पड़ता है, लेकिन सब लोग मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि सारी कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। पुलिस भी तैनाती पर है, गाड़ियाँ हालांकि रोक दी जाती है लेकिन अभी कुछ व्हीकल्स हैं यहाँ पर टू व्हीलर वो निकल रहे हैं इसके बीच से और कुछ टाइम बाद वो भी बंद हो जाएंगे, फिर केवल आप सिर्फ चलने वाले लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। सारी चारों तरफ दुकानें चाहे कपड़ों की हो, चाहे बर्तन की हो और या फिर हो सोना और चांदी की। वेल मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ मुझे कुछ नहीं पता, चलिए देखते हैं क्या खरीदते हैं। तो हम भी बस यूं ही घूमते फिरते और पूरे मार्केट का आनंद लेते हुए थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए अपने बेटे को खेल खिलौने दिलाकर हम इस भीड़ से बाहर आ गए और फिर बाड़े की खूबसूरत लाइटिंग का मज़ा लेते हुए
वापस अपने घर। तो देखा आपने आज के ब्लॉग में किस तरह से हमारे शहर में ये जो धनतेरस का पर्व है कितने उत्साह के साथ मनाया जाता है, एंड स्पेशली जो सराफा मार्केट मैंने आपको दिखाया कितनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, सारे के सारे लोग जाते हैं और देर रात तक वहां शॉपिंग करते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरा बाड़ा, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा होता है दीपावली पर। यही सबसे बड़ी और अच्छी और खास बात होती है इस पर्व की, और साथ ही हमने भी वहां पर खूब मस्ती की, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और थोड़ी सी शॉपिंग भी की। घर लौटते लौटते अभी हमको 12:15 बज चुके हैं और फाइनली अब पैकअप हो रहा है आज के ब्लॉग का। तो और हाँ, अभी मैंने आपको अपने घर का पूरा लुक नहीं दिखाया, आप देख रहे हैं सजावट हर घर की हो चुकी है, मेरे घर की भी सजावट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लाइट्स लग चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर लुक कैसा लग रहा है घर का सजने के बाद ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ता-ता, बाय बाय, सी यू।